हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे की के बारे में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में की का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। यही कारण है कि किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वहाँ पे की के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ ले जाते हैं। तो की के बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है ना देखेंगे कि इसे कौन कौन से टाइप्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। की का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिकॉर्ड को फाइंड करने में। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको हम लोग टेबल्स के रूप में स्टोर करते हैं, और उन टेबल्स में से किसी एक पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो वहां पे हमें की की आवश्यकता होता है। जैसे अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट हैं, तो उसमें से किसी भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को फाइंड करना बहुत ही आसान है, निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 10,000 या 20,000 या 50,000 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया है और वहां से किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को फाइंड करना है तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए हम लोग की का यूज करते हैं कि अगर आपके पास लाखों में जो है ना इन्फॉर्मेशन स्टोर किए गए हैं, वहां से किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन को फाइंड करना है तो आप की के मदद से बहुत ही आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। अब की का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है इन्फॉर्मेशन को फाइंड करना, यानी कि रिकॉर्ड को फाइंड करना बहुत सारे इन्फॉर्मेशन में जो डाटाबेस में स्टोर किए गए हैं। की को डिफाइन कैसे करेंगे? तो की एक एट्रीब्यूट होता है या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या होता है इसको हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ये आप टेबल देख रहे हैं और टेबल में ही आपको मिलते हैं एट्रीब्यूट्स और रिकॉर्ड और टपल। तो टेबल्स में जितने आपके पास कॉलम होंगे उन सभी कॉलम्स को हम लोग एट्रीब्यूट्स के नाम से जानते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री के नाम से जानते हैं। ये सभी हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे इस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि टोटल 5 इसमें कॉलम्स दिए गए हैं, और इन सभी कॉलम्स को हम लोग एट्रीब्यूट्स के नाम से जानते हैं, जबकि इसमें जो रो दिए गए हैं इन रो को हम लोग टपल या रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 4 रो गिवेन है और 5 कॉलम्स गिवेन है। तो की को हम लोग डिफाइन करेंगे कि कोई एक एट्रीब्यूट हो सकता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है। दैट मीन्स कि जो भी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे हमें जो है ना यहाँ पे नाम XYZ वाले स्टूडेंट का जो नाम है उसका कंप्लीट हमें रिकॉर्ड चाहिए। रिकॉर्ड का मतलब हो गया कि इसका रोल नंबर भी चाहिए, इसका ब्रांच भी चाहिए, इसका पैन नंबर चाहिए और इसका मोबाइल नंबर चाहिए। इसको हम लोग एक रिकॉर्ड हम लोग कंसीडर करते हैं, और इस रिकॉर्ड को अगर हमें फाइंड करना है तो हमारे पास होना चाहिए की। और की हम लोग किसको बनाएंगे? तो किसी एट्रीब्यूट को बनाएंगे या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है, मतलब कि कोई एक कॉलम से हम लोग उसके रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं, या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट, सेट ऑफ कॉलम भी हो सकता है जिससे हम लोग उसके इंफॉर्मेशन को फाइंड कर पाए। तो हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे जो रोल नंबर है, अगर हम रोल नंबर हम सभी स्टूडेंट को यूनिकली दिए हुए हैं, प्रोवाइड किए हुए हैं, तो यहाँ पे 102 रोल नंबर को सर्च करेंगे तो इसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें हमारे पास सामने में निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले बात ये हम लोग कर रहे हैं कि की क्या होता है। तो कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है। इट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड इन ए टेबल। यहाँ पे बताते हैं की का यूज क्या है। तो की का यूज है कि किसी भी टेबल से अगर कोई रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग वहां पे की का यूज कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो टेबल्स के रूप में स्टोर होते हैं, और टेबल्स के बीच में अगर रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो वहां भी हम लोग यूज करते हैं किसमें, किसका, की का। तो की का यहाँ पे 2 यूज अभी हम लोग देख लिए कि की का यूज करके हम लोग इन डेटाबेस से किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड, अगर टेबल्स के बीच में अगर रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है तो वहां भी की का हम लोग यूज कर सकते हैं। और की होता क्या है? तो एट्रीब्यूट होता है या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है। की प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में जो है ना की का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ की। बहुत तरह के की है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट की को हम लोग कंसिडर
किए हैं, जैसे प्राइमरी की क्या होता है, कैंडिडेट क्या की किसे कहते हैं, अल्टरनेट की, सुपर की और फॉरेन की क्या होता है। जो हम लोग के सिलेबस में है वो पार्टिकुलरली डिफाइन किया गया है प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में। तो इसको हम लोग डिटेल्स में सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो की हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि की कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है जिसका यूज करके हम लोग किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि कई जगह हम लोग टेबल्स के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है की का, और सेवरल टाइप्स ऑफ की है जिसको हम लोग एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की कोई भी की हो तो किसी भी की का यूज करके हम लोग इंफॉर्मेशन को, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्राइमरी की होता है जिसका यूज करके हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी टपल को, कहाँ से, रिलेशन से। यहाँ पर हम लोग जानते हैं रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल, यानी कि टेबल से फाइंड करते हैं। टपल को हम लोग क्या जानते हैं, रिकॉर्ड या रो के नाम से। तो किसी भी रिकॉर्ड को टेबल से फाइंड करना या किसी भी टपल को रिलेशन से फाइंड करने के लिए हम लोग की का यूज करते हैं, और प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी रिकॉर्ड को, जैसा कि टेबल में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रोल नंबर जो है ना आपका की हो सकता है, रोल नंबर की हो सकता है, नेम है तो क्या नेम की हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो अगर थाउजेंड के थाउजेंड है, लाखों में अगर इंफॉर्मेशन है तो मे भी ये संभव है, और ज्यादा संभावना ये है कि मैक्सिमम चांसेस है कि डुप्लीकेट हो जाए, यानी कि एक ही नाम के दो स्टूडेंट हो, मल्टीपल स्टूडेंट हो, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड को नहीं कर सकता है। ब्रांच भी आपका की नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रांच बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सेम ब्रांच होगा। पेन नंबर जो है ना यहाँ पे आपका की हो सकता है, पेन नंबर, क्योंकि पेन नंबर होता है सभी स्टूडेंट का, जितने भी स्टूडेंट हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे रोल नंबर हो सकता है, पेन नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर भी आपका हो सकता है, संभावना है कि हो सकता है, कि ये भी हो सकता है कि। लेकिन ये जितने भी की हैं, इन सभी की को जो अभी हम लोग देखे, रोल नंबर है, पेन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये सब जो की है इसे हम लोग कैंडिडेट की कहेंगे, इसे कहेंगे कैंडिडेट की। और इन सभी कैंडिडेट की में एक ही कोई हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, साथ ही साथ एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है। जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग एडमिशन लेते हैं तो हम लोग कॉलेज के थ्रू मिलता है रोल नंबर, न कि हम लोग उसे प्रोवाइड करते हैं। और प्राइमरी की हमेशा हम लोग को मिलता है, हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। पेन नंबर है, पेन नंबर भी हम लोग को पेन नंबर पेन ऑफिस से जो हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चांसेस हैं, जब हम लोग किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो पेन नंबर मांगा जाता है, तो चांसेस ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास पेन नंबर तो है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के पास पेन नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि वो बनाए ही नहीं है, कुछ अप्लाई किए हैं, कुछ अप्लाई भी नहीं किए हैं। तो इसको प्राइमरी की बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास प्राइमरी यहाँ पे पेन नंबर नहीं हो। सेकंड चीज मोबाइल नंबर, तो हो सकता है यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर दो भाई बहन अगर एक साथ एडमिशन लिए हुए हैं तो दोनों का मे भी हो सकता है कि मोबाइल नंबर सेम हो। तो मल्टीपल स्टूडेंट का मोबाइल नंबर सेम हो सकता है, मल्टीपल स्टूडेंट का पेन नंबर मे भी नहीं हो सकता है। इसको प्राइमरी की नहीं बल्कि हम किसको बनाएंगे, रोल नंबर को, क्योंकि जब भी एडमिशन लेंगे तो रोल नंबर हमें कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया और उसी रोल नंबर के द्वारा हमें जो है ना आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर का हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर टेबल में हम लोग देखेंगे कि रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जो हम लोग कैंडिडेट की मिला पेन नंबर, मोबाइल नंबर और रोल नंबर, लेकिन इसमें से जो है ना रोल नंबर जो है ना हमारा प्राइमरी की बन सकता है। इट मस्ट हैव यूनिक कॉलम वैल्यू, यानी कि इसमें क्या होगा, जब भी प्राइमरी की होगा तो उसमें मस्ट है कि यूनिक कॉलम वैल्यू होगा, यानी कि उसमें कोई भी वैल्यू जो है ना डुप्लीकेट नहीं होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नेम में जो है ना डुप्लीकेसी हो सकता है, ब्रांच तो है ही, देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट है, ये दोनों जो है ना सी सी ब्रांच है। पेन नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे मे भी हो सकता है कि नल वैल्यू हो, और मोबाइल नंबर डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन रोल नंबर क्या होगा, कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा, सभी स्टूडेंट का पार्टिकुलर एक अलग रोल नंबर मिलता है। तो पहला ऐसा कंडीशन क्या है कि ईसा कभी भी जो वैल्यू है कॉलम का, जिस कॉलम को आप प्राइमरी की कंसीडर कर रहे हैं उसके जितने भी वैल्यू होंगे वो हमेशा क्या होंगे, यूनिक होंगे। सेकेंड है प्राइमरी की कांट बी नल, अगर आप किसी भी कॉलम को, जैसे हम लोग रोल नंबर वाले कॉलम को जो है ना प्राइमरी की कंसिडर कर लिए हैं, इसमें जो भी वैल्यू होंगे वो यूनिक होंगे,
जो भी वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे और साथ ही साथ नॉट नल होंगे, यानी कि कोई भी वैल्यू वैकेंट नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई जैसे कि इसमें कोई इसमें कोई डाटा ही नहीं है, तो नल नहीं हो सकता है और यूनिक होना चाहिए। तो इसमें प्राइमरी की का हम लोग दो कंडीशन देखें कि जब भी प्राइमरी की किसी कॉलम को हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे वो कॉलम के जितने भी डाटा वैल्यू होंगे वो यूनिक होंगे, साथ ही साथ नल नहीं हो सकता है। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की पॉसिबल है, यानी कि वन टेबल में एक ही प्राइमरी की पॉसिबल है। इट कैन नेवर बी चेंज्ड और अपडेट आफ्टर असाइंड, यानी कि एक बार आप प्राइमरी की असाइन कर दिया टेबल के लिए तो उसको बाद में चेंज और अपडेट नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी की इनफोर्स एंटिटी इंटीग्रिटी, यानी कि प्राइमरी की का यूज करके हम लोग एंटिटी इंटीग्रिटी को अचीव करते हैं, आप कह सकते हैं इसको इंप्लीमेंट करते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी के द्वारा। इसका डेफिनेशन को अगर आप समराइज करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि प्राइमरी के एक की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी रिकॉर्ड को टेबल से। जब भी किसी कॉलम को कंसीडर करेंगे हम लोग प्राइमरी की के रूप में तो वो कॉलम वैल्यू यूनिक होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की पॉसिबल हो सकता है। एक बार प्राइमरी की हम असाइन कर दे तो उसको चेंज और अपडेट करना पॉसिबल नहीं है और ये इन्फोर्स करता है एंटिटी इंटीग्रिटी को। दैट मींस कि प्राइमरी की का यूज करके हम लोग एंटिटी इंटीग्रिटी को अचीव कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गया प्राइमरी की का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैंडिडेट की के बारे में। तो कैंडिडेट की भी एक की होता है, इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड, यानी कि ये भी क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जिसका यूज करके हम लोग रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। दो एट्रीब्यूट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड कैंडिडेट, यानी कि एट्रीब्यूट्स हो गया या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट होगा जिसका यूज करके हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉर्ड को, उस एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं। जैसे कि इस टेबल में देख पा रहे हैं यहाँ पे कैंडिडेट की हम लोग के पास क्या मिल गया, रोल नंबर हो सकता है, पेन नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, तो ये सारे क्या होता है हमारे कैंडिडेट की मिल जाता है। नेम कभी भी आपका कैंडिडेट की या प्राइमरी की नहीं हो सकता है क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई किसी भी रिकॉर्ड को नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि एक या मल्टीपल स्टूडेंट का नेम जो है ना सेम हो जाए। ब्रांच भी कभी नहीं हो सकता कि मल्टीपल स्टूडेंट का ब्रांच सेम हो सकता है। कैंडिडेट कीज आर डिफाइंड एज डिस्टिंक्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स फ्रॉम विच प्राइमरी की कैन बी सिलेक्टेड, यानी कि कैंडिडेट की उस डिस्टिंक्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम लोग बनाते हैं जहां से प्राइमरी की को सिलेक्ट किया जा सकता है। जैसे यहां पे आपके पास रोल नंबर हो गया, उसके बाद में यहां पे पेन नंबर हो गया, पेन नंबर हो गया और मोबाइल नंबर हो गया, तो ये सब क्या हुए आपके कैंडिडेट की हो सकते हैं, कैंडिडेट की हो सकते हैं। और इस कैंडिडेट की में से हम लोग को किसी एक को प्राइमरी की बनाना है क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की पॉसिबल हो सकता है, तो यहाँ से हम लोग रोल नंबर को अपना प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हैं। एक कैंडिडेट की इज मिनिमल सुपर सेट सुपर की, यानी कि कैंडिडेट क्या होता है जो मिनिमल सुपर की होता है, इसका मतलब है ए सुपर की विथ नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट, वैसा सुपर की जिसमें कोई भी रिडंडेंट एट्रीब्यूट नहीं होता है। सुपर की हम लोग जस्ट आगे डिस्कस करेंगे तो यहाँ सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये कैंडिडेट क्या होता है, मिनिमल सुपर की होता है, मिनिमल सुपर की जहाँ पर जितना कम पॉसिबल हो वो होता है आपका कैंडिडेट की। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर रोल नंबर जो है ना और नेम, रोल नंबर नेम को हम लोग बना सकते हैं, रोल नंबर और नेम को हम लोग बना सकते हैं एक कैंडिडेट की, लेकिन कैंडिडेट की हम लोग देख पा रहे हैं कि सिर्फ रोल नंबर के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है, तो नेम को यहाँ पे कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर रोल नेम भी लेते हैं उसके साथ में तो भी हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसका आवश्यकता नहीं है तो उसको कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये कैंडिडेट की इज ए सबसेट ऑफ सुपर की and is avoid of unnecessary attributes that are not important for uniquely identified tuples। मतलब कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट की होता है वो सुपर की का सबसे होता है। सुपर की हम लोग जस्ट हम लोग देखेंगे आगे, ऐसे एक बार देख लेते हैं। जैसे सुपर की यहाँ पे रोल नंबर क्या हो गया, आपका प्राइमरी की हो सकता है, कैंडिडेट की भी हो सकता है और सुपर की भी हो सकता है। रोल नंबर के साथ हम लोग नेम को कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा सुपर की, रोल नंबर नेम ब्रांच लेंगे तो हो जाएगा सुपर की, रोल नंबर नेम ब्रांच पेन नंबर लेंगे वो भी हो जाएगा सुपर की, ब्रांच पेन नंबर रोल नंबर लेंगे तो भी हो जाएगा सुपर की, मोबाइल नंबर ब्रांच और रोल नंबर लेंगे तो भी जाएगा क्या सुपर की। तो सुपर की क्या सबसेट कौन हो गया, कैंडिडेट की, जहां पर क्या होता है कि हम लोग अवॉइड करते हैं अननेसेसरी एट्रीब्यूट को दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल्स। अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स क्या हो गया, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रोल नंबर हो गया, उसके बाद में नेम हो गया और उसके बाद में ब्रांच हो गया, तो
तो यहाँ पे हम लोग इसको सुपर की बना सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि रोल नंबर क्या हो गया, यहाँ पे कैंडिडेट की हो गया। तो अगर हमारा रोल नंबर से काम चल सकता है तो फिर यहाँ पे नेम और ब्रांच को हम लोग अवॉइड कर देंगे, ये अननेसेसरी एट्रीब्यूट हम लोग शामिल नहीं करेंगे कैंडिडेट की में, जबकि सुपर की में आप शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ द कैंडिडेट की इज यूनिक एंड नॉट नल फॉर ऑल टपल्स, यानी कि कैंडिडेट की का भी जो वैल्यू होगा वो यूनिक होगा और नल नहीं होगा, जैसा कि प्राइमरी की में कंडीशन था। अब इसको समराइज करेंगे तो देखेंगे कि कैंडिडेट की एक तरह का की है जिसको सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट की तरह हम लोग कंसीडर करते हैं जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। कैंडिडेट की कॉम्बिनेशन होता है एट्रीब्यूट्स का जिससे हम लोग रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कैंडिडेट की हम लोग डिफाइन करते हैं सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जहाँ पे प्राइमरी की हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट की जो होता है ना वो मिनिमल सुपर की होता है, यानी कि सुपर की में जो भी एक्स्ट्रा जो एट्रीब्यूट्स हम लोग शामिल करते हैं उसको अवॉइड करते हैं, अननेसेसरी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को जिसका जरूरत नहीं है टपल्स को आइडेंटिफाई करने में, और कैंडिडेट की यूनिक और नल नहीं होता, यानी कि यूनिक होता है और नल नहीं होता है सारे टपल्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अल्टरनेट की का, तो जितने भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट की, जैसे यहाँ पे हम लोग रोल नंबर, पैन नंबर और मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लिए किसको, कैंडिडेट के हेतु में, तो आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट की ओनली वन सेलेक्टेड एज प्राइमरी की एंड रिमेनिंग की आर नोन एज अल्टरनेट की। तो इन तीनों में से अगर हमारे पास रोल नंबर है, नेम है, पैन नंबर है और मोबाइल नंबर है, इन तीनों में से जो हम लोग कंसिडर करें, ये तीनों क्या हो गया हमारा कैंडिडेट की हो गया, तो इन तीनों में से किसी एक को हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी की के रूप में, और जो बाकी रिमेनिंग बच जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं अल्टरनेट की के रूप में जानते हैं। इन द एवव स्टूडेंट टेबल, जैसे कि स्टूडेंट टेबल है एवव, इसमें रोल नंबर इज द बेस्ट सुटेड फॉर प्राइमरी की, इसमें जो रोल नंबर है हमारा बेस्ट सुटेड है यानी कि सुटेबल है प्राइमरी की के रूप में, और बाकी रिमेनिंग जो दो है पेन नंबर और मोबाइल नंबर इसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, इसको अल्टरनेट की के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सुपर की के बारे में, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल, किसी भी टेबल से अगर हमें रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना है तो पॉसिबल जितने भी एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन था उन सभी एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन को हम लोग सुपर की ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रोल नंबर हमारा क्या हो गया प्राइमरी की हो गया, तो रोल नंबर के साथ में अगर हम लोग यहाँ पे नेम को मिला लेते हैं तो इन दोनों को मिला के एक की बन सकता है और ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है किसी भी रिकॉर्ड को, ये एक सुपर की हो गया, जबकि यहाँ पे नेम की आवश्यकता नहीं था लेकिन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया और ब्रांच हो गया, इन तीनों को मिला लेंगे तो भी हमारा एक की बन जाएगा और इसे हम लोग किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग रोल नंबर और ब्रांच को एक साथ में कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ब्रांच की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग एक की के रूप में कंसिडर कर सकते हैं जो सुपर की कहलाएगा। हम लोग यहाँ पे रोल नंबर, पेन नंबर और मोबाइल नंबर को मिला के एक की बना सकते हैं जिसको हम लोग सुपर कहेंगे, क्योंकि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें उन सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम लोग सुपर की कंसिडर कर सकते हैं रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं इस टेबल में रोल नंबर आपका सुपर की हो सकता है, रोल नंबर और नाम हो सकता है, पेन नंबर हो सकता है, रोल नंबर नेम ब्रांच हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, रोल नंबर नेम ब्रांच पेन नंबर हो सकता है, या आप देखेंगे यहाँ पे रोल नंबर नेम ब्रांच पेन नंबर मोबाइल नंबर, यानी कि सभी को शामिल कर लीजिए, तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है उनमें से कुछ को यहाँ पे शो किया गया है, ये सभी क्या हो सकता है आपका सुपर की हो सकता है। ये सुपर की सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की, यानी कि जो भी कैंडिडेट होते हैं उनका सुपर सेट होता है कैंडिडेट की का सुपर की, सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की, मोर देन वन सुपर कीज आर पॉसिबल इन द रिलेशन। देखिए ये सभी क्या है, की है एक से अधिक है, तो एक से अधिक जो है ना सुपर की किसी भी रिलेशन के लिए पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सुपर की मे हैव एडिशनल एट्रीब्यूट दैट आर नॉट नीडेड फॉर यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड, कह रहा है कि सुपर की में जो है ना एडिशनल एट्रीब्यूट हो सकता है जिसका आवश्यकता नहीं है रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि आप इसी में कोई किसी भी की को रखते हैं, जैसे इस की को हम कंसिडर कर रहे हैं सुपर की, तो सुपर की यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोल नंबर है, नेम है और ब्रांच है, तो यहाँ पे नेम और ब्रांच की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग एडिशनल एट्रीब्यूट को यहाँ पे कंसिडर कर लिए हैं। तो इसको अगर आप समराइज करके देखेंगे इसके डिफिनेशन को तो आप कहेंगे कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं एट्रीब्यूट को वो सभी क्या होंगे,
के सुपर की होंगे जो किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर लेंगे बहुत ही इजीली। सुपर की क्या होता है, सुपर सेट होता है सभी कैंडिडेट की का, एक से अधिक सुपर की पॉसिबल हो सकता है एक टेबल के लिए, और सुपर की में जो है एडिशनल एट्रीब्यूट को हम लोग शामिल कर लेते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होता है शामिल करना, लेकिन फिर उसको हम लोग शामिल कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सुपर की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉरेन की के बारे में, बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट होता है फॉरेन की। फॉरेन की हमेशा दो टेबल के बीच में काम करता है, यानी कि ये की यूज टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर, यानी कि दो टेबल को एक साथ लिंक करने के लिए हम लोग फॉरेन की का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन वन टेबल रेफर्स टू प्राइमरी की इन अनदर टेबल। कहा जा रहा है कि जो फॉरेन की होता है वो एट्रीब्यूट हो सकता है या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है किसी एक टेबल में जो दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की को रेफर करता है। जैसे कि यहाँ पे दो टेबल हैं, एक टेबल है आपको कस्टमर टेबल के नाम से और सेकेंड है ऑर्डर टेबल के नाम से। कस्टमर टेबल में जो आपको रिकॉर्ड है यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, कॉलम दिए गए हैं, उसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर सिटी है, कस्टमर स्टेट है और कस्टमर जीप है। तो यहाँ पे कस्टमर नेम आप किस की को कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि एक ही नाम का बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं। कस्टमर सिटी को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, कस्टमर नेम को नहीं, कस्टमर स्टेट को नहीं, कस्टमर के जीप को नहीं। तो यहाँ पे कस्टमर जो आईडी हो गया ये प्राइमरी की हो गया। ऑर्डर टेबल में बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर नंबर है, कस्टमर आईडी है और ऑर्डर डेट है। तो ऑर्डर डेट एक ही डेट में मल्टीपल कस्टमर जो है ना ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर नंबर भी जो है ना यहाँ पे जो है ना में भी हो सकता है किसी को ऑर्डर नंबर प्रोवाइड किया गया किसी को नहीं किया गया, लेकिन ऑर्डर नेम नंबर यहाँ पे आपको की के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप इस ऑर्डर टेबल में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर है लेकिन यहाँ पे जो कस्टमर टेबल है इसमें ऑर्डर नंबर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं की की तरफ। तो जो यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे मिल रहा क्या कस्टमर आईडी है, यहाँ भी क्या है कस्टमर आईडी। तो ये कस्टमर आईडी यहाँ पे फॉरेन की तरह काम कर रहा है, ये फॉरेन की जो फर्स्ट वाले टेबल में ये प्राइमरी की बन जा रहा है। वही कहा जा रहा है कि ये एट्रीब्यूट होता है जो एक टेबल में फॉरेन की तरह काम कर रहा है जो दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की तरह काम कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट मे बी नल वैल्यू कॉलम, यहाँ पे नल वैल्यू कॉलम हो सकता है किसी भी एट्रीब्यूट का वैल्यू जो है ना नल वैल्यू हो सकता है। जैसे कि ये टेबल आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे कस्टमर आईडी है, कस्टमर सिटी और कस्टमर स्टूडेंट आईडी है। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट सिटी और स्टूडेंट आईडी है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट एज इसमें नहीं है तो ये हमारा की नहीं हो सकता है। फिर स्टूडेंट नेम भी नहीं है तो ये भी हमारा की नहीं हो सकता है। स्टूडेंट आईडी इसमें भी है और स्टूडेंट आईडी इसमें भी है। तो जो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है ये आपका काम कर रहा है फॉरेन की तरह, फॉरेन की तरह ये फॉरेन की हो गया। और यही यहाँ पे क्या बन गया आपका प्राइमरी की बन गया, प्राइमरी की। फर्स्ट वाले टेबल आप देखेंगे प्राइमरी की यहाँ पे 1001 है, 1002 है, 1003 और 1004 सभी क्या है यूनिक वैल्यू है और इसमें कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है और कोई भी नल वैल्यू नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1001, 1002, 1003 यहाँ पे जो वैल्यू है ये सभी वैल्यू अवेलेबल है यहाँ पे फर्स्ट वाले टेबल में। यहाँ पे 1004 हो सकता है, 1005 नहीं हो सकता है क्योंकि जो फर्स्ट वाले टेबल में नहीं है वो इसमें नहीं पॉसिबल है। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, जब फॉरेन की को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टेबल में यानी कि फर्स्ट टेबल में जो प्राइमरी की है वही सेकंड टेबल में क्या बन जा रहा है आपका फॉरेन की बन जा रहा है। आप कह सकते हैं कि सेकंड टेबल में एक टेबल में जो फॉरेन की तरह काम कर रहा है वो दूसरे टेबल में जो है ना प्राइमरी की तरह काम कर रहा है और एक कभी नल वैल्यू नहीं होता है। मोर देन वन फॉरेन की इन ए टेबल, एक टेबल में एक से अधिक फॉरेन की हो सकता है। इट इज यूज टू इम्प्लीमेंट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यानी कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग फॉरेन की का यूज करते हैं। जिस प्रकार से प्राइमरी की का इम्प्लीमेंट यूज करके हम लोग एंटिटी इंटीग्रिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से फॉरेन की का यूज करके रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। अब एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।